हेमेटोलॉजी और वॉन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बरेली में ओपीडी की सुविधा। धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल दिल्ली द्वारा बुधवार को हेमेटोलॉजी एवं बॉन मैरो ट्रांसप्लांट BMT OPD का आयोजन रामपुर गार्डन स्थित जीवन ज्योति अस्पताल में किया गया। इस OPD में बॉन मैरो ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल दिल्ली के स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। ये जानकारी धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल दिल्ली की डॉक्टर सरिता जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि कैंसर से ग्रसित मरीज बड़े शहरों में जाकर इलाज के लिए परेशान होते हैं, इसलिए अब बरेली व आसपास के क्षेत्र के लिए भी यहां पर आउट पेरेंट परामर्श सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह जीवन ज्योति अस्पताल रामपुर रोड और रामपुर नारायण हॉस्पिटल दिल्ली की। मेरा नाम डॉक्टर सरिता जायसवाल हूँ। मैं धर्मशिला नारायणा में सीनियर कंसल्टेंट एंड प्रोग्राम डायरेक्टर के पद पे काम करती हूँ। हमारे पास है डॉक्टर महक अग्रवाल, वो एक जूनियर कंसल्टेंट है और ये हमारी टीम की एक पार्ट है। और हमारे साथ है मैं डॉक्टर अनीता, मैं जीवन ज्योति को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम यह संदेश देने के लिए आए हैं कि जो खून से रिलेटेड बीमारियां हैं या खून के कैंसर्स जो होते हैं, आम तौर पे लोगों की बहुत गलत धारणा है कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं। आज के समय में हम इस तरह की बीमारियों के नाम तो ज़रूर कैंसर का लोगों ने दिया है, जो कि ख़तरनाक है, सिर्फ नाम सुनने से ही उसको हम पूरी तरह से ठीक करने का हो सकता है, जिसलिए आप इसको कैंसर न बोले हम करते हैं कि खून से बने कैंसर अब जानलेवा नहीं रहे। इनकी पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाती है और लोग एक तरह से नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। सो ये मैसेज हम आप सबको देना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ट्रीटमेंट यदि बरेली में न भी संभव हो तो हम जैसे ट्रांसप्लांट को दिल्ली में, वैसे पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट के लिए वहाँ दिल्ली के धर्मशिला नारायणा में ट्रीटमेंट करके हम उसको ठीक करेंगे। सो हमारा यही मैसेज है कि ये जो नाम है कैंसर का नाम सुन के घबराए नहीं। कैंसर के अलावा भी कुछ जैसे थैलेसीमिया है, हमें देखी हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लोगों में है, और इसको यदि ठीक पूरी तरह से ठीक किया जाए तो इसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन लगती है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में मैच्ड डोनर की ज़रूरत होती है, जिसमें कि काफ़ी सक्सेसफुल रेट 90% है। परंतु हम एक और संदेश देना चाहते हैं कि ये यदि आपको मैच डोनर ना भी उपलब्ध हो तो हम इसे हाफ मैच से, जिसको कहते हैं 50% मैच है, या हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांटेशन किनसे कर सकते हैं, अपने फर्स्ट डिग्री फैमिली रिलेटिव से कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे के लिए माता और पिता से वो हर समय हाफ मैच होता है। सो लोग घबराए नहीं, क्योंकि आज मैं इसलिए कर रही हूँ इतने सालों बाद क्योंकि हमने काफ़ी सक्सेसफुली ये ट्रांसप्लांट अब कर चुके हैं। हमें विदेशों में ही भी बुलाया जा रहा है। मैं यूरोपियन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी, जिसको EBMT कहते हैं, EBMT के मैं थैलेसीमिया के स्पेशली हीमोग्लोबिनोपैथी की एक्टिव मेंबर हूँ, और मुझे हर मीटिंग में बुलाया जाता है कि यह शोध करने के लिए कि हाँ आप भारत में कैसे कर रहे हो। तो ये विदेश के लोग अब इस तरह की ट्रीटमेंट को हमसे, हमारी उपलब्धि क्या है, जानना चाहते हैं। सो ये हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सब लोगों को अवेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे, मैं गाज बरेली में इसलिए बैठ के बोलना चाह रही हूँ कि लोगों में थैलेसीमिया है और जस्ट पेरेंट जस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूशन लिया और नहीं लिया, इस तरह से एक बच्चे जो हमारे भविष्य हैं उनका भविष्य खराब में रहती है। यदि आप अफोर्ड कर सकते हो थोड़ी बहुत सहायता हो, हम भी कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सोसाइटियाँ हैं, काफ़ी NGOs बोल सकते हैं, कुछ फाउंडेशन हैं, वो भी तो हेल्प मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे हम इस ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुली कर पाए। बरेली में हम शुरुआत की चीज़ों में करेंगे, और जब ट्रांसप्लांटेशन तो ऐसा
से मैंने जो कहा कि ये फैसिलिटी आने में टाइम लगेगा क्योंकि स्पेशल रूम चाहिए इसको करने के लिए, और एक बार हो जाएगा ट्रांसप्लांटेशन तो फॉलो अप बरेली में कर सकते हैं उसको, महीने में दो बार बरेली में। हमने बच्चों के लिए शुरू किया है जीएम जीवन ज्योति हॉस्पिटल में, जिनकी जिनकी डॉक्टर अनीता डायरेक्टर हैं और मेन हेड हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सुविधाएं दी हैं और हम यहाँ पर आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं। किसी तरह की भी नहीं होती है, कुछ नहीं। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोगों में एक आम धारणा है कि किडनी मैंने दिया, किडनी में एक आदमी एक किडनी यूज़ करता है ना, उसे ओटी ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ता है, तो कुछ नहीं। ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है इसमें लोग कॉन्शियस रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जैसे आप खून डोनेट कर रहे हो इस तरह ही आपको खून अपना स्टेम सेल डोनेट करना पड़ता है। आप कॉन्शियस हो, जस्ट वो दो कैनुला लगा के आपका मशीन से स्टेम सेल कलेक्ट करके आपको सारे सेल वापस मिल जाते हैं, और एक आदमी को कुछ नहीं जाता। अपार्ट फ्रॉम दो कैनुला होती है, बस यही प्रॉब्लम है, दो छोटी छोटी इंटर सुई लगी, बस आप एकदम दे दिया। और एक बार नहीं, आप बहुत साल दे सकते हो, बहुत बार दे सकते हो, अलग को नहीं दे सकते हो। उसके लिए पर्टिकुलर वहीं पर होती है, आपको समझना कि नेचुरली एक होती है ह्यूमन लाइक ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो कि हमारी बॉडी का सिग्नेचर होता है। जैसे आपका जो पर्टिकुलर नाम है उसका आपका सिग्नेचर, आपकी पहचान है, आपके सेल का एक अलग होगा, एक्चुअली टाइपिंग हमारी अलग होगी। तो इस तरह से जो फाइंडिंग ए डोनर बोल सकते हैं, यदि स्ट्रीट से यदि आप चाहो कि मैं जैसे मुझे आज ज़रूरत है आप दे सकते हो, तो नहीं, क्योंकि ऐसे डोनर को 1 in 1,000,000 होता है कि 1,000,000 लोगों को स्क्रीन करो तब कोई एक डोनर होगा। हमारे देशों में अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री की सुविधा अब धीरे धीरे बढ़ रही है। विदेशों में ये काफ़ी, जब से 1969 में फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, ईडी थॉमस ने सिएटल बोल की जगह है अमेरिका में किया था, और मैंने वहीं से ट्रेनिंग ली है ट्रांसप्लांटेशन की, और तब से लेकर के अभी तक काफ़ी सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और डोनर को कुछ से कुछ नहीं तकलीफ होती है, ये क्लियर है। Yeah.